على الفلاح وقل زدني علما الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد محترم هاي يور السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ابي هماريس رمبر मुहर्रमराम का महीना सया फगन है ये महीना ग्रा कदर अहमियत का हामिल है क्योंकि ये हरमत वाले चार महीनों में से एक है जिनमें जमाने जाहलीत के लोग भी कत्लो ख़ून रेजी और जंगो जदाल से परहेज़ करते थे अल्लाह ताला का तशाद है शराबा आयत नंबर छत्तीस इन इ्दत शहूर इनद्लान फिर किताबिल्ला योम खलक समावत वाला अरबा मिना अरब एतरम दाली का दीनलकम फला तूफी हन्फम ये महीनों की गिनती अल्लाह के, के नज़ीक किताबुल्लाह में बारा की है उसी दिन से जब से आसमान ज़मीन को उसने पैदा किया है उसमें से चार हरमतो अदब के महीने हैं यही दुरुस्त दिन है तुम इन महीनों में अपनी जानों पर दुल्म मत करो आए करीबा में अल्लाह आलमीन ने हमें ये बताया कि इब्तदा आफरीनश से सालों और महीनों का सिलसिला चला आ रहा है हज़रत आदम अल्लाम के ज़माने से ही बारह महीने अपने नामों के साथ चले आ रहे हैं जिनमें से चार महीने हरमत अदब के हैं और वह हैं दा धिलह मुहर्रम और रजब इन हरमत वाले महीनों का तकरा करने के बाद अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कहा फ़ला तबले मोफी हन्फुम के इन ख़ास तौर पर चार महीनों में हरमत वाले महीनों में अपनी जानों पर मत करो जुल्म तो साल के बारह महीनों में हराम है लेकिन इन चार महीनों में खसूसियत के साथ करना मना है जुल्म से क्या मुराद है जुल से मुराद एक तो यह है कि इन महीनों में जंगो जेदाल और कत्ल ख़ून रेजी से बचा जाए क्योंकि ये हरमत वाले महीने हैं अल्लाह ताला ने फरमाया यश अलू नी शहराम कैतलिनफ़ी कुल कैतलफ़ी है कबीर लोग आपसे हरमत वाले महीनों में जंगो जदाल की बाबत पूछते हैं तो आप पे कह दीजिए कि इनमें लड़ाई करना बड़े गुनाह का काम है यही वजह है कि जमाने जाहरीत में लोग इन महीनों में जंगो जदाल से बाज आ जाते थे हाँ कि उनके पास कोई जीने का तरीक़ा नहीं था जिल्म से मुराद ये भी है कि इन चार महीनों में अल्लाह की नाफ़रमानी से बतौर ख़ास बचा जाए क्योंकि जैसे कुछ महीनों और दिनों में नेकियों के सवाब में इजाफ़ा होता है वैसे ही कुछ दिनों और महीनों में बुराइयों का इरतकब करें तो उन बुराइयों का गुनाह भी ज़्यादा होता है उन्हीं में से मुहर्रम का ये महीना भी है इसलिए इन महीनों में ख़ास तौर पर गुनाहों से बचना चाहिए अल्लाह की नाफरमानी से बाज आ जाना चाहिए गोया मुहर्रम मुहरम हराम का एक अहम पैगाम ये है कि हम गुनाहों से बाज़ आ जाएँ अल्लाह की हरमत को पामाल ना करें अल्लाह की गैरत को चैलेंज ना दें क्योंकि गुनाहों की वजह से एक इंसान तंग दिली का शिकार हो जाता है अल्लाह ताला ने तरमाया शुरत आयत नंबर एक सौ चौबीस वन का जिसने मेरे जिक्र से एराज किया उसका गुजरान तंगी का होगा ऐसे इंसान कि ज़िंदगी में सुकून नहीं रहता टेंशन होता है डिप्रेशन होता है परेशानी होती है बल्कि ऐसे लोग उस रिज़ से भी महरूम कर दिए जाते हैं जो रिज़ उनको मिल रहा होता है जो रोज़ी उनको मिल रही होती है गुनाह की वजह से उस रोज़ी से भी महरूम कर दिए जाते हैं सुनीम ने माजा की रवायत है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु सली वसलम ने शाद फरमाया वरम्बे योसीब हो के बंदा गुनाह की वजह से उस रिज़्क से महरूम कर दिया जाता है जो उसे मिल रहा होता है हराम का ये तो पहला पैगाम हुआ कि हम गुनाहों से अपने आप को बचाएँ दूसरा पैगाम ये है कि हम इस महीने में नेकियों का ज्यादा से ज़्यादा एहतमाम करें खासकर कसरत से रोदा रखने का अहतमाम करें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदी से पता चलता है कि इस महीने में कसरत से रोदा रखना चाहिए सही मुसलिम की रवायत है हजरत अबू हैदी अल्लाह तब बयान फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सली व्ल्लम ने शाद फरमाया क्या फरमाया بعد رمضان रमदान शहर मुहर्रम यानी रमदान के बाद सबसे अफदल रोदे मुहर्रम के रोदे हैं जो अल्लाह का हराम किया हुआ महीना है मालूम यह हुआ कि मुहर्रम हराम का महीना रोदा के लिए रमदान के अलावा सारे महीनों में सबसे अफजल महीना है अलबत् यहाँ पर एक के इश्काल ये पैदा होगा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु सल्ला वसम ने मुहर्रम के बजाय शाबान में कसरत से रोदों का अहतमाम किया तो इसका जवाब इमाम नौी रमतल ने यह दिया है कि शायद आप को महर्रम हराम की फ़जीलत आखिरी उम्र में मालूम हुई या ये हो सकता है कि शायद इस महीने में सफ़र या बीमारी या इस तरह के दूसरे आवार दूसरे आरज़ आपको पेश आ जाते थे जिसकी वजह से आप मुहर्रम के महीने में कसर से रोदे ना रख सके अल्बत्ता अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो इरशाद है इसकी बुनियाद पर हमें चाहिए कि मुहर्रम के महीने में कसरत से रोदा रखने का अहतमाम करें क्योंकि आपने फरमाया कि अफदल्सया में बद रमादान शाहरल महर्रम रमादान के बाद सबसे अफदल रोदे मुहर्रम के रोदे हैं बरकैफ़ हमें चाहिए कि इस महीना में गुनाहों का इरतक करने से बचें अल्लाह की शरीयत को पामाल ना करें और कसरत से रौदा रखने का अहतमाम करें महतरम नादीन मुहरम हराम की दसवीं तारीख़ यानी आशूरा का दिन बड़ी अहमियत का हामिल दिन है इस दिन की क्या अहमियत है इसे हम जानेंगे लेकिन अगली मजलिस में तब तक के लिए इजाज़त दीजिए व सली नबी महमद वाल आलि वसाबी अजमाइन